तो अभी ये लड़का स्कूबा सूट में जितना खुश लग रहा है ना, 5 मिनट पहले पानी के अंदर इसकी हालत कुछ और ही थी, क्योंकि ये गया था फर्स्ट टाइम स्कूबा डाइव करने। तो 5 बजे का प्लान था कि स्कूबा जाएंगे, बट अभी 1 घंटे लेट है क्योंकि इनका बोट वोट का कुछ पंगा था। पर ठीक है, अभी वेदर भी ठीक है, आई होप वहाँ पे डार्क ना हो। एंड आई थिंक अभी होंगे शायद 5 या 7 लोग, बाकी वहाँ जाके देखते हैं। मेरे बाल पता नहीं ऐसे क्यों हो रहे हैं, पूरा मारवरा सी का खारा पानी बालों की पूरी ऐसे ऐसी कर रखा है। बाकी कल मैंने एक बोट टूर भी लिया है, वो शायद ऐसी बोट रहेगी आई थिंक, एंड देखते कैसा सीन होता है। बाकी तो अभी जा रहे हैं उधर, और वहाँ पे शायद कैमरा अलाउड नहीं है, तो उनके कैमरे से जो भी वीडियो वगैरह होगा वहाँ बनाएंगे। बाकी देखते हैं। तो शूज ऐसे हटाओ एंड देन जाओ। वैसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है एकदम से ऐसे चढ़ के। हेलो हेलो, थैंक यू। पूरा शेक हो रहा है, मुझे लगा नॉर्मल होगा। नमस्कार दिनेश, थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, गुड, फाइन। मरहबा, सो तरफ ना यू दिस वे। सो अभी पहले ऊपर जाओ तैयार मेरे को, देन तो अभी ऊपर आए, देन यहाँ पे शायद भी ड्रेस वगैरह देंगे, देन उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। तो ओलू डेनिस से बोट लेने के बाद सीधा हम पहुंचे अच्छी सी केव पर, जहां हमें सी लाइफ एक्सप्लोर करनी थी। तो मैन डाइव से पहले रहता है एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन, एंड उसे करने के बाद सीधा तुम्हारा भाई जाता है पानी के 5 मीटर नीचे। एंड उस टाइम जो फट रही थी ना यार, मतलब प्रेशर इतना बढ़ रहा था और ब्रीद आ नहीं रही थी। एंड फर्स्ट टाइम आई गेव अप, बट जो मेरी इंस्ट्रक्टर थी बार बार बोल रही थी यू कैन डू इट। बट भाई उस टाइम जो फट रही थी ना यार, तो मैंने बोला भाई आज नहीं हो पाएगा, बट हाँ श्योर वन डे आई विल डू दिस अगेन। तो ये यहाँ का व्यू, एंड वैसे इधर था क्या बोलते हैं उसको जो ओलू डेनिस। एंड आज पहली बार मैंने लाइफ में किसी एडवेंचर में गिव अप किया, क्योंकि जो मैंने दिन में पैराग्लाइडिंग की थी पहले भी की थी, शायद 100 मतलब कुछ मीटर्स थे, मैंने आज 1800 मीटर्स थे। बट चाहे स्कूबे में आए ना, पता नहीं मतलब मतलब दो बार ट्राई किया मैंने, इवन लाइक जो इंस्ट्रक्टर थी इतनी कोऑपरेटिव थी, बट पता नहीं यार नहीं हो पाया आज, बस 1 या 2 मीटर के लिए की, बाकी हमसे ना हो पाएगा। थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक किए हैं, बाकी हाँ ये है कि यहाँ ना वर्थ था, क्योंकि आज मैंने मेरा ड्रोन उड़ाया है। 25 दिन से घूम रहा हूँ टर्की में, एक भी जगह मेरा ड्रोन नहीं उड़ाया। इवन मैंने कपाड़ों किया, मैं सोचा था कि उड़ाऊंगा, बट पता नहीं क्यों फट रही थी। और अभी जो मेरे सामने व्यू है ना, इतने अमेजिंग लग रहे हैं, आई कांट टेल यू लुक। वैसे मन तो कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ और उसको होल्ड करके खड़ा हूँ, मतलब टाइटेनिक वाला बंद, बट नहीं अभी बैलेंस नहीं बन रहा और पहले से फटी पड़ी है हमारी। सच में यार, मतलब आई डोंट नो, मतलब क्यों मुझे नहीं पता क्या अच्छा क्या था। एंड बुरा एक्सपीरियंस, बुरा तो नहीं बोलूँगा, मतलब एक्सपीरियंस तो ठीक था, बट हमने गिव अप कर दिया, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्या करें। बाकी उधर शायद ओलू डेनिस शायद वहाँ पे है, बट जो व्यू लग रहे ना सच में अमेजिंग है। एंड मैं फिर सोच रहा हूँ कि मेरा ड्रोन उड़ाऊँ, बट प्रॉब्लम है कि उड़ा तो दूंगा, उसमें रिटर्न टू मूवमेंट मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं समुद्र में लैंड होगा तो थोड़ा सा पंगा है। बाकी हमारे 35 यूरो गए पानी में तो नहीं गए, थोड़ा वो तो खुद की तारीफ ही करूँगा, मैं बुराई थोड़ी बताऊँगा, मतलब जो भी था ठीक था। बट मेरे पूरे व्यू के पैसे हैं, एंड जो पूरा मतलब सनसेट लग रहा ना वहाँ से, ये एक्सपीरियंस सी जो पूरा गोल्डन आर दिख रहा है यहाँ से, इट्स लाइक अमेजिंग। और अभी ये देखो ये मेरा हाथ है, ये यूँ हो रहा है। Awesome, सच में यार, मतलब नो वर्ड्स मैन, वर्थ है यहाँ आना।
अब यदि आपको डाइविंग करनी है तो सबसे अच्छा है मतलब आप करो, आराम से पूरा टाइम निकालो। बट यदि मेरे जैसे हो कि चलो भाई ड्रोन लेके खुश है और मतलब जो भी है एक दो राउंड में एक मिनट में जाके खुश है तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है यहाँ पे आना। और आज था शायद मेरा थर्ड डे यहाँ पे, एंड मे बी नेक्स्ट डे मैं शायद और एक दिन यहाँ पे निकालूंगा शिप पे। देन उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं या तो इस्तांबुल चला जाऊँ या फिर और कहीं चला जाऊँ, बट देखते हैं जो भी सीन होता है। अभी तो वापस मैं फैतिया जाऊँगा मेरी जो लास्ट बस है वो लेके, बट मेरे को कुछ पिक्चर्स लेनी है यहाँ पे। एंड ड्रोन के तो पूरे मजे आ गए, पूरे पैसे वसूल हुए बाकी 23 दिन में। और ये यहाँ पे माउंटेंस है, शायद मैं दिन में वहीं से उड़ा था। एज यू कैन सी जो वहाँ पे पॉइंट है आई थिंक 1800 मीटर था वो, एंड ये मेरे इधर लेफ्ट में ये है। और वैसे मेरा एडवेंचर तो इनकम्प्लीट रह गया था, बट आते टाइम जो नज़ारे थे, मतलब ठंडी हवा, समुद्र की लहरें और क्या अमेजिंग सनसेट था यार, मतलब जैसे सारे पैसे वसूल हो गए।